दोस्तों इतना सारा सामान है, सारा मैंने बेड पे फैला दिया, एक एक करके मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ का काम है। सबसे पहले तो पैसा, और दोस्तों इसके साथ में दस्तावेज भी बता दूँ, वहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। रजिस्ट्रेशन लगेगा, मेरा तो पहले से हो रहा है पर मेरे भी दिक्कत है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा केदारनाथ का ट्रैक करते हुए आपको क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। ज़्यादा सामान भी नहीं ले जाना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी ट्रैक करते हुए आपको, क्योंकि 22 किलोमीटर का सफ़र है भाई, वजन ज़्यादा नहीं झेल सकता अपना शरीर, तो वो वाली बात है। पर अपन तो लगभग सारे सामान लेंगे क्योंकि अपन बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, तो लगभग सभी चाहिए अपन को। बाकी बाइक अपन वहाँ जमा कराएंगे, कहाँ पर? पार्किंग में सोन प्रयाग और गौरीकुंड में अपन लगेज जमा करा देंगे। एक्स्ट्रा बैग लेके जाएंगे तो वहाँ जमा करा देंगे, और एक बैग लेके जाएंगे, एक बैग विकास लेके आ रहा है। तो हम रात को निकलेंगे 2 बजे, और 12 बजे के पहले हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, ताकि दिन का सफ़र नहीं तय करना पड़े, क्योंकि गर्मी भारी पड़ रही है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम मॉर्निंग को करेंगे ठंडाई में, बड़े आराम से गाड़ी चलाएंगे और पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको क्या क्या सामान कैरी करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आ जाओ दोस्तों, इतना सारा सामान है, सारा मैंने बेड पर फैला दिया, एक एक करके मैं बताता हूँ कौन सी चीज़ का काम है। सबसे पहले तो पैसा, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो ये कैश भी ले जाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि वहाँ पे कैश ही चलता है ऊपर केदारनाथ के, वहाँ पे सिग्नल पकड़े नहीं पकड़े फ़ोन, तो ऑनलाइन से बढ़िया कैश कैरी करना है। इमरजेंसी कैश है, इसको उठाएंगे नहीं हम, कैरी करेंगे। और ये है पावर बैंक, इंपॉर्टेंट चीज़, चार्जर, डाटा केबल्स, ये मेरा माइक है, ये क्रेप बैंडेज है, झंडू बाम है, कफ सिरप के पाउच है, सिप्लाडीन है घाव पर लगाने के, दर्द की ट्यूब है ओमनीजेल, ये चेस्टन कोल्ड टेबलेट है, जुखाम की न्यूरोबियन फोर्ट है, दर्द सूजन की गोली है, मेप्टल स्पास है पेट दर्द वगैरह हो तो, डस्ट की टेबलेट है ये नोटीजेड, ओमेगेस का कैप्सूल, डोट्रावेरिन पेट दर्द की गोली, ग्लूकोन डी, एनर्जाल जीरो पानी की कमी को पूरा करेगा, इधर से हाजमोला कैंडी है चटकारा लेने के लिए, कफ लेट है गला साफ करने के लिए, डव शैम्पू और पड़े हैं, मैं तो एक एक पीस देखो, खंगा तेल है ये नवरत्न का, जिससे कूल कूल हो जाएगा अगर दिन में भी ट्रेवलिंग करने की जरूरत पड़ जाए तो, चश्मा है, और ये ट्राइपॉड है मेरा, एक ट्राइपॉड ये है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बर्तन एक्स्ट्रा ताकि हम वहाँ खाना बनाए तो उसमें काम आएगा, और ये है इलेक्ट्रिक थर्मस जो बोलते हैं ना वो है, इसमें अपन चावल उबाल सकते हैं, मैगी बना सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, अंडे भी उबाल सकते हैं, पर अपन खाते नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, दुकान वाले ने बताया था जो बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बेल्ट है, ये कपड़े है, ये तो लोअर है, बोट राफ्टिंग करने पहनने में काम आएगा, रेनकोट है, 2 जीन्स है, 2 शर्ट है, और ये है मेरा कोट जैकेट जिससे ठंड से बचूंगा मैं, और ये है मेरा पजामा, ये है शॉल, ऐसे तो वहाँ मिल जाएगी पर मैं यहीं से लेके जा रहा हूँ एक एक्स्ट्रा, और ये शाफी है, और ये नूडल्स है खाने के लिए इमरजेंसी, और ये नमकीन का स्टॉक है, ये अचार है, और इधर से ये सॉस है, और ये कैमरा की बैटरी है, और ये कैमरा है, लेंस है, बोतल है पानी की, एक ट्रेवलिंग बैग है, कैमरे का बैग है, और एक नॉर्मल बैग है, और ये हेलमेट अपना, एक हेलमेट विकास ला रहा है। ये दोस्तों सारे सामान मेरे हैं, ठीक है, विकास भी अपने सामान लेके आ रहा है, और इसमें हम राशन भी कैरी कर रहे हैं, 2 किलो चावल कैरी कर रहे हैं, शक्कर कैरी कर रहे हैं, नमक मिर्च मसाला सब कैरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अपन को कुछ भी नहीं लेना, और ये फेस वाश ब्रश वगैरह सब रखना, अंडरवेयर भी रख लेना आप अपनी, और ये टेप लेके जा रहा हूँ मैं, कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ काम पड़ गया तो टेप भैया काम आ जाती है, तो इस वजह से ले रहा हूँ मैं। और तो क्या लेके जाऊँ, एक लकड़ी भी लेके जाना, वो रख लूँगा मैं आगे, जूते चप्पल दोनों लेके जाना। दोस्तों देखो खाने पीने के ऐसे आइटम लिए मैंने जो ख़राब भी नहीं होंगे और लंबे से समय तक चलेंगे, जैसे कि आम के अचार के पाउच और नमकीन वगैरह, ये खाने में चलेगी, 1 किलो नमकीन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जनों के बीच हो जाएगी, और वैसे तो वहाँ ले लेंगे सामान, और ये चाउमीन मैगी वगैरह है, चावल भी लेंगे। और दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ लकड़ी लेना भी आवश्यक है, वो वहाँ मिल जाएगी, यहाँ से कैरी करके नहीं लेके चलेंगे अपन। और बाकी मैंने पेट्रोल भरा लिया था गाड़ी में, फुल टंकी करा के जवाहर नगर से, रात को 2 बजे निकलेंगे, और विकास अपना सामान खुद लेके आएगा, उसके कपड़े भी लेके आएगा वो, और चावल लेके आएगा, मसाले मिर्च वगैरह सब लेके आएगा। और दोस्तों इसके साथ हम दिल्ली में ट्रैवलिंग टेंट लेंगे, जो हम टेंट में लगा के सोएंगे वहीं पे, अगर बड़ा सा वो मिल गया डोरमेट्री तो उसमें रुक जाएंगे सस्ती सी, वरना टेंट लगा के सोएंगे। और एक स्टोव लेंगे पोर्टेबल, जो वहीं से ले लेंगे, दिल्ली से सस्ता मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा अपना। कोटा में मिला ही नहीं, मैंने गूगल पे भी ट्राई किया था, दुकानें मिली नहीं, टेंट की भी दुकान नहीं मिली, तो वो वहाँ से ले लेंगे दिल्ली से कल। और दोस्तों इसके साथ में दस्तावेज भी बता दूँ, वहाँ पर क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। रजिस्ट्रेशन लगेगा, मेरा तो पहले से हो रहा है पर मेरे भी दिक्कत है। मेरा 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन है केदारनाथ का, और 5 तारीख का है बद्रीनाथ का, तो अगर दोबारा से करना पड़ेगा तो करवाऊँगा।
और जो अपना विकास अपने साथ चल रहा है उसका भी नहीं हो रहा, उसका वहीं कराऊंगा मैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तो दोनों का देखूंगा, अगर मेरा काम चल जाएगा ठीक है, वरना मेरा भी कराऊंगा और उसका भी कराऊंगा। उसके लिए आधार कार्ड लेके जाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट रेडी है मेरे पास, गाड़ी की RC रेडी है, इंश्योरेंस रेडी है, सर्विस का कागज़ रेडी है, इधर से लाइसेंस रेडी है, और तो क्या ही बताऊँ, पैसे है ही सही, हेलमेट दो है ही सही। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी लास्ट बाकी रात को 2 बजे निकलेंगे हम, तो चलते हैं फटाफट से। प्यार सम्मान देना प्लीज़, सपोर्ट करना, बाय बाय। और अगर आपको भी ट्रिप करनी है तो पूरी ट्रिप फॉलो करना, आप भी आना, इस साल आओ, अगले साल आओ, जब भी आओ मेरी ट्रिप को देखो, क्योंकि कोटा से शायद मैं पहला ही बंदा होऊंगा या दूसरा भी हो, तो कमेंट करके बताना, या कोई और भी पहले गया हो बाइक से तो मेरे को कमेंट करके बताना। आप दोस्तों फर्स्ट बार इतनी बड़ी ट्रिप प्लान करी है मैंने, खूब पैसा खर्च होएगा मेरा, धन की भी हानि होएगी और 15 दिन भी वेस्ट होएंगे, मतलब वेस्ट तो क्या होंगे, ऐसे दर्शन करने जा रहे हैं अपन, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन और बढ़ जाएंगे अपनी ज़िंदगी के, 5वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा मेरा, और एक धाम और हो जाएगा बद्रीनाथ को करके, 2 धाम हो जाएंगे, 5 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और 4ों धाम के दर्शन करूंगा। तो गाइस प्लीज़ प्यार सम्मान देना, काफ़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो में, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो बैग रेडी है, दोनों बैग भर चुके हैं, हेलमेट भी रेडी है, बस अब विकास का इंतजार कर रहा हूँ। लोग आकर लेकर मासा सा इस्ता ना पावा यार, मारा बड़ा भाई आनो पंडता, सो एक ही विनती है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे भी करो, आज जोड़ विनती है, माँ देव का राज में बस यही छवा, माँ तो तासो ताच बड़ा भाई माँ छोटा भाई, राम राम सा।